क्या मांग है आपका? हमारी मांग है, हम सबकी मांग है कि मानदेय कर्मियों का सेवा स्थायीकरण किया जाए, नियमित किया जाए और सरकारी संतुलन सभी का सम्मान हो। इसके कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से मानदेय पर काम कर रहे हैं, 8,000-9,000 भूमि है और इनका खून चूस लिया है नगर निगम और नगर विकास। लेकिन ये आज कहाँ जाएंगे, मारे मारे फिरेंगे। ये अपना जवानी तो दे दिया नगर निगम को और वो कोई सुनवाई नहीं करता है। इसके साथ अन्य तेरे मांगों है पीछे और हम लोग हड़ताल किए हुए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम ये नहीं करने वाले हैं। 2020 में बिहार सरकार का तुगलकी फरमान आया कि एनजीओ से काम कराया जाएगा, इनको रिटायर कर दिया जाए और हम लोग ने हाईकोर्ट में केस किया। हाईकोर्ट ने जवाब नहीं दिए, केवल एक्सटेंशन करते रहे। साथ ही साथ जब 2021 में हड़ताल हुआ तो हाईकोर्ट के कहने से 2 महीने के लिए हम लोग स्थगित किए थे आंदोलन, हड़ताल बंद किए थे और फिर 1 साल दिन के अभी तक के लोग को दिया कीपिंग बम, गवर्नमेंट कीपिंग बम। इसलिए हम लोग पूरा हड़ताल कर रहे हैं और जंग ऐलान की, ऐलाने जंग की घोषणा करते हैं। क्या लगता है कि आपकी मांगों को मान लिया जाएगा? जरूर नहीं माना जाएगा तो आग लगेगी सड़कों पर, फूल बहेगा सड़कों पर। ये हम लोग का संघर्ष है, हम महादलित है, वो लोग दूसरा बात करते हैं। मोदी जी को वोट के लिए चलानी देते हैं, नितीश कुमार हमारे साथ भागलपुर जेल था, हम भी झंडा छीने थे कलेक्टर से 15 अगस्त 1975 को आपातकाल के विरोध में, और साथ में हमारे जेल में थे नीतीश बाबू। क्या आप है अंतिम व्यक्ति का सेवा कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति का ये है, ये महादलित, ये हम लोग ने भंगी बुक कराया, हम लोग शहर की सफाई करते हैं, गंदे काम करते हैं, वो तो आराम से इतनी बैठने वाले अफसर हैं जो हमारी सुनते नहीं है। इसलिए हम लोग जन का ऐलान कर रहे हैं, जब तक हमारा आंदोलन में मांग पूरा नहीं होगा हम लोग हड़ताल नहीं बंद करेंगे। आपका परिचय? हम सियाराम सिंह, क्षेत्रीय मंत्री हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, जेपी सेनानी है, अन्ना आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अध्यक्ष थे। हम बंद कराए शहर में, हम यहाँ बजन बहादुर चेयरमैन जो 40 साल उनको हरा कर हम 35 साल बाद कमिश्नर थे और आज भी हम ये संघर्ष करते हैं।